फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बेल्ट और पीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। ये स्पेसिफिक कॉर्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिसमें जिसमें अगर हम देखें तो फैब्रिक में वर्टिकल लाइन के बजाय हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। जैसे बेल्ट फुट कॉर्ड में वर्टिकल संकीर्ण लाइन्स बनती हैं, इस स्ट्रक्चर में हॉरिजॉन्टल संकीर्ण लाइन बनती है। इसमें क्या है, पीक्यू फैब्रिक में क्या होता है कि इसमें एक सीरीज ऑफ वेफ्ट रहेगा और दो सीरीज ऑफ वार्प रहेगा, जिसमें एक सीरीज फेस थ्रेड्स की होगी और एक सीरीज स्टिचिंग थ्रेड्स की होगी। फेस थ्रेड को हम नॉर्मल टेंशन देते हैं और स्टिचिंग थ्रेड को हम टेंशन हाई देते हैं। हाई टेंशन इसलिए देते हैं कि क्योंकि जो हमें हॉरिजॉन्टली संकीन लाइन बनानी है वो हाई टेंशन के कारण वो इंडेंटेशन से बना देती हैं, जिसके कारण हॉरिजॉन्टल संकीन लाइन बनती है। इसीलिए हम स्टिचिंग थ्रेड को हम टेंशन हाई देते हैं। अगर हमें थोड़ा सा जो संकीन लाइन के इंडेंटेशंस को हमें थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ाना है तो हम बॉर्डिंग थ्रेड को भी इंसर्ट करके हम और ज़्यादा इंडेंटेशंस बढ़ा सकते हैं। ये हमारे पास ऑप्शंस हैं। बेल्ट स्ट्रक्चर बेसिकली एक पीक्यू स्ट्रक्चर है, ये सेम थिंग है। इसमें क्या है, जो कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ हॉरिजॉन्टल संकीर्ण लाइन जो हमने डिस्कस किया वो बनती है, इसे हम बेल्ट स्ट्रक्चर कहते हैं। अब हमें अगर हमें सपोज दैट इन दो लाइनों के बीच जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इन दोनों के बीच में ये संकीर्ण लाइंस हैं, इनके बीच में हमें अगर इनकी विड्थ को कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल किससे होती है, ये नंबर ऑफ पिक्स से कंट्रोल होती है। जैसे हम आगे हम इसे स्टडी करेंगे कि नंबर ऑफ पिक्स हम कम ज़्यादा करके हम इन दोनों लाइनों के बीच की डिस्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके टाइप कितने हैं बेल्ट स्ट्रक्चर के, ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर, वीप्ड वाडेड बेल्ट स्ट्रक्चर, फास्ट बैक बेल्ट और वीप्ड पीक्यू। चार टाइप के बेल्ट और पीक्यू स्ट्रक्चर होते हैं। अब हम कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर का। इसमें काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, हम इसको ये नॉर्मली अगर हम पढ़ना चाहते हैं तो नॉर्मली हम पढ़ सकते हैं, बट हम फिगर पे जाके सीधा एक्सप्लेनेशन पार्ट पे चलते हैं, इससे ज़्यादा समझ में आएगा। मैंने क्या बताया था कि जो बेल्ट जो ऑर्डिनरी जो बेल्ट बनती हैं उसमें फेस बार्प यूज किए जाते हैं और स्टिचिंग बार्प यूज किए जाते हैं। हमने ये 6x6 की डिजाइन ली, 6x6 की हमने जो बेल्ट डिजाइन ली है, इसमें फेस पहला वाला एंड फेस एंड है, दूसरा वाला एंड स्टिचिंग एंड है जिसे हमने क्रॉस 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 से दिखाया हुआ है, तीसरा वाला फिर से फेस एंड है, चौथा वाला फिर से फेस एंड है, पांचवा वाला स्टिचिंग एंड है और छठवां वाला फिर से फेस एंड है। नॉर्मली ये जो बेल्ट स्ट्रक्चर वाली डिजाइन है ये क्या है, इसमें 6 बार यूज किए जाएंगे जिसमें फेस और स्टिचिंग एंड का रेशियो 2:1 रहता है। मतलब अगर 6 एंड की डिजाइन है तो इसमें 4 फेस एंड रहेंगे, 2 स्टिचिंग एंड है, 2:1 है। वही हमने इस फिगर में दिखाया हुआ है। इसमें क्या है, पहला फेस एंड है, स्टिचिंग एंड है, देन फेस एंड है, स्टिचिंग एंड है, फेस एंड है, ठीक है। अब हमें जो फेस एंड है उसमें हमें प्लेन बीम देनी है। फेस एंड में क्या करना है, हमें प्लेन बीप देनी है। तो पहला वाला फेस एंड है, इसमें हमने प्लेन बीप दी है, पहले पिक पे ये डाउन है, पहले पिक पे अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है, फिर अप है, फिर डाउन है। सिमिलरली यहाँ पे भी तीसरे वाले जो बार बैंड जो फेस एंड था इसमें भी हमने प्लेन बीप दी है, चौथा वाला भी फेस एंड था इसमें भी हमने प्लेन बीप दी है, और छठवां वाला भी जो अपना एंड था ये नॉर्मली फेस एंड था तो इसमें भी हमने प्लेन बीप दे दे रखी है। ये हमारे स्टिचिंग एंड है, अभी हमने एज इट इज दर्शा रखे हैं, अभी हमने कुछ इसमें किया नहीं है। अब हम आगे वाले एक्चुअल बीप पे जाएंगे। इसमें क्या रहेगा, जो स्टिचिंग एंड है, स्टिचिंग एंड नॉर्मली जो अप रहेगा वो
चार, छः, आठ, दस और मैक्सिमम 12 तक के पिक पे ऐसा रहेगा कि ये लिया जा सकता है स्टिचिंग एंड अप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये बी वाली डिजाइन है, बी डिजाइन में हमने क्या किया है, हमने ये 6 क्रॉस की डिजाइन ली थी, इसमें हमने जो इसको अप करने का काम किया है वो किया है चार पिक के बाद पांचवें और छठवें पिक पे हमने स्टिचिंग एंड को अप किया है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ देखेंगे तो यहाँ चार पिक पे ये डाउन है और पांचवें और छठवें पे ये अप है। ये जो जिन पे ये स्टिचिंग एंड डाउन रहता है वो क्या करते हैं, वो जो बेल्ट स्ट्रक्चर की जो लाइनें हैं उनकी विड्थ को कंट्रोल करते हैं। हमने पीछे वाले ग्राफ में देखा हुआ था, पीछे वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा हुआ था कि उसमें लिखा हुआ था कि जो संकीर्ण लाइनों की विड्थ है वो कंट्रोल किससे होती है, कंजिक्यूटिव पिक से। अगर हमने स्टिचिंग एंड को अब हमने चार पिक के बाद यहाँ किया हुआ है तो इसकी विड्थ थोड़ी सी कम होगी। यही हम 6 पिक के बाद करेंगे तो दो संकीर्ण लाइन की जो डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगी। यही हमने यहाँ पे 8 पिक के बाद किया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एंड डिजाइन में हमने क्या किया हुआ है, 10 पिक के बाद हमने दो पिक पे जो स्टिचिंग एंड को है वो हमने अप किया हुआ है। तो ओवरऑल अगर हम डिजाइन की बात करें तो डिजाइनिंग में स्टिचिंग एंड को हम अप तब करते हैं या तो 4 एंड के बाद या 6 एंड के बाद या 8 एंड के बाद या 10 एंड के बाद। मैक्सिमम एंड जो डाउन रह सक मैक्सिमम पिक जो डाउन रह सकते हैं जिसमें स्टिचिंग एंड डाउन रहेगा, मैक्सिमम पिक 12 हो सकते हैं। 12 पिक से ज़्यादा पे ये जो स्टिचिंग एंड है वो डाउन नहीं हो सकता क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा फैब्रिक लूज हो जाएगा और फैब्रिक स्टेबल नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हमने मैक्सिमम यहाँ पे 10 लिए हैं तो मैक्सिमम ये 12 तक जा सकता है। लेकिन जो स्टिचिंग पिक्स हैं 2 पिक में स्टिचिंग एंड अप रहेगा, ये ध्यान देने की जरूरत है। तो ये हमारा ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है, ये वाला ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर है। यहाँ पे 4 पिक के बाद दो पिक में स्टिचिंग एंड अप है, यहाँ 6 पिक के बाद 2 पिक में स्टिचिंग एंड अप है, यहाँ पे 8 पिक के बाद 2 पिक में स्टिचिंग एंड अप है। ऐसे एंड में दो डिफरेंट टाइप के इन्होंने लिए, ये 18 18 पिक की डिजाइन ली है। 18 पिक में क्या है, पहले 10 10 पिक के बाद दो पिक में अप है, फिर इसके बाद 4 पिक के बाद 2 पिक में अप है। तो इस तरीके से ये हमारे ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर हो गया। अब हम बात करते हैं बेप्ट बॉडेड बेल्ट की। बेप्ट बॉडेड बेल्ट्स का मतलब जो हमें एक्स्ट्रा बॉडेड बॉडेड बेल्ट का मतलब क्या हुआ, जो बेप्ट बॉडेड का मतलब हुआ कि जो हमें एक्स्ट्रा एंड डालने हैं वो हमें बेप्ट डायरेक्शन में डालने हैं। बॉडेड का मतलब एक्स्ट्रा एंड। फॉर एग्जांपल हमने पीछे बी वाली डिजाइन देखी थी, पीछे वाली स्लाइड में जो हमने बी डिजाइन देखी थी ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर था, इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2 पिक के बाद 2 बॉडेड एंड डाल दिए, 2 बॉडेड पिक डाल दिए, सॉरी 2 बॉडेड पिक डाल दिए। इसका रूल क्या रहता है, जो बॉडेड पिक हैं वो स्टिचिंग एंड पे डाउन रहेंगे, बॉडेड पिक स्टिचिंग एंड पे डाउन रहेंगे, और जो बॉडेड पिक जो रहेगा वो फेस एंड पे अप रहेगा। ये बॉडेड पिक डाले थे हमने, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जहां तीर का निशान है वहां हमने 2 एक्स्ट्रा पिक डाल दिए। पहले डिजाइन 6 क्रॉस 6 की थी, अब डिजाइन 6 क्रॉस 8 की है, मतलब 6 बार पेंड है और 8 पिक्स हैं, जिसमें 2 कैसे हैं, 2 बॉडेड पिक हैं या एक्स्ट्रा पिक हैं, यानी हम कहेंगे बॉडेड पिक या एक्स्ट्रा पिक। ये हमने क्या डाले हैं, 2 नॉर्मल पिक के बाद 2 हमने एक्स्ट्रा पिक डाल दिए। ये क्या करता है, ये संकीर्ण लाइन की प्रोमिनेंस को या डिस्टेंस को और ज्यादा बढ़ा देते हैं जो बॉडेड पिक्स हैं। ठीक है, अब इसका रूल क्या है, बॉडेड पिक हमेशा फेस एंड पे अप रहेंगे बॉडेड पिक,
और जो स्टिचिंग एंड है इन पे ये डाउन है, इन पे डाउन है और फेस एंड पे अप है सारे में। तो इस तरीके से ये वेफ्ट बॉडेड बेल्ट्स बनती हैं। ऐसे ही यहाँ पे अगर हम दूसरे स्ट्रक्चर में जाते हैं, दूसरे स्ट्रक्चर में इन्होंने दो एंड के बाद सिंगल बॉडेड पिक डाला है, सिंगल। तो बॉडेड पिक सिंगल फॉर्म में भी डल सकता है और डबल फॉर्म में भी डल सकता है। तो सिंगल बॉडेड पिक डाला है और इन्होंने इसे फेस एंड पे अप किया है, और फेस एंड पे क्या है, अप है ये, और स्टिचिंग एंड पे ये डाउन है। ऐसे ही डिजाइन है इन्होंने बनाई हुई है। अब जो वेफ्ट बॉडेड बेल्ट है जो स्टिचिंग एंड पे डाउन रहती है, इसे हम दूसरा नाम देते हैं लूज लूज बैक बेल्ट। ये लूज बैक बेल्ट भी कहलाता है। हम आते हैं अगले स्ट्रक्चर, फास्ट बैक बेल्ट पे आते हैं। फास्ट बैक बेल्ट कैसे बनता है? हमने क्या बताया था, जो ऑर्डिनरी स्ट्रक्चर था जो हमने पीछे पीछे यहाँ पे सी फिगर में देखा था, ये ऑर्डिनरी वेफ्ट बॉडेड बेल्ट था। ये इसी को हम लूज बैक बेल्ट कहते हैं, यही लूज बैक बेल्ट है। अब हम अगर हमें जो इसकी जो बैक है, इसका मतलब लूज है क्योंकि स्टिचिंग एंड पे जो अपना बॉडेड बॉडेड पिक डाला था हमने, जो बॉडेड पिक यहाँ डाला था वो स्टिचिंग एंड पे ये डाउन है। तो इससे क्या रहता है कि पहले से ऑलरेडी ये जो स्टिचिंग एंड था वो, अगर हम ऑर्डिनरी बेल्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो वो चार पिक में डाउन था। अब दो एक्स्ट्रा बॉडेड डलने के बाद ये छह पिक में डाउन हो गया। तो इसके कारण ये क्या है, ये जो स्टिचिंग एंड है वो लूज है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, लूज बैक बेल्ट। अब हम इसे अगर फास्ट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं स्टिचिंग एंड में हमें इस जो एक्स्ट्रा हमने पिक डाला था उसे हमें इंटरलेसमेंट देना पड़ेगा। तो हमने जहाँ पे भी फास्ट बैक बेल्ट की बात करते हैं तो यहाँ हमने इंटरलेसमेंट के लिए हमने यहाँ क्या किया है, ये जो एक्स्ट्रा जो हमने जो बॉडेड पिक डाले हुए थे उनमें हमने क्या किया है, स्टिचिंग एंड में प्लेन वीप दे दी है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ दो एंड डाले थे, दो पिक डाले थे यहाँ पे स्टिचिंग एंड में, क्या है, पहले वाले में यहाँ अप किया हुआ है, पहले वाले जो एक्स्ट्रा वाला है वहां पे अप किया हुआ है, और दूसरे वाले पिक में यहाँ डाउन है। यहाँ स्टिचिंग एंड की बात करें, दूसरे स्टिचिंग एंड में क्या है, ये पहले वाले में डाउन है और दूसरे वाला पिक अप है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो एक्स्ट्रा वाला जो हमने बॉडेड बॉडेड पिक डाला था, बॉडेड पिक को हमने स्टिचिंग एंड में प्लेन वीप दे दी है। ये सबको दिख रहा होगा आई थिंक। तो सिमिलरली यहाँ पे हमने ये वाली डिजाइन में हमने सिंगल सिंगल डाले थे, यहाँ हमने सिंगल सिंगल पिक डाले थे। ये अगर हम पीछे वाले की बात करें तो जी डिजाइन हमने यहाँ बनाई थी, यहाँ पे सिंगल एक्स्ट्रा पिक थे दो दो पिक छोड़ के। तो इसमें इसमें भी हमने यहाँ ऐसे ही किया है, सेम प्लेन वीप दी है। यहाँ स्टिचिंग एंड पे यहाँ पे हमने अप किया है और दूसरे स्टिचिंग एंड पे हमने दूसरे वाले जो जो बॉडेड पिक है उसमें हमने स्टिचिंग एंड पे उसे हमने अप किया है। तो इस तरीके से ये फास्ट बैक बेल्ट है क्योंकि यहाँ पे जो बॉडेड वेफ्ट डाला हुआ था उसे हमने स्टिचिंग एंड में इंटरलेसमेंट दे दिया, इसलिए ये फास्ट बैक बेल्ट है। अब अगर हम ड्राफ्ट और पैक प्लान की बात करें, पीछे से ही जाते हैं, तो ड्राफ्ट पैक प्लान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो हील शाफ्ट दिए जाते हैं वो दिए जाते हैं फेस एंड, फेस एंड्स को हील शाफ्ट दिए जाएंगे। फिर इसके बाद जो हील शाफ्ट दिए जाते हैं वो स्टिचिंग एंड को दिए जाएंगे। तो यहाँ पे फेस एंड को हील शाफ्ट दिया है हमने पहला। अब यहाँ पे जो पहले, फिर इसके बाद फेस एंड, ये वाला फेस एंड है इसे हमने हील शाफ्ट दिया है। तो इसे तीसरा हील शाफ्ट क्यों मिला है, कई लोगों के मन में असमंजस आ रहा होगा। तो इसे हम दूसरा वाला भी हील शाफ्ट दे सकते हैं, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। तीसरा इन्होंने इसलिए दे दिया है इन्होंने, क्योंकि फेस एंड टोटल चार है, इन्होंने चारों एंड को अलग अलग हील शाफ्ट दिए हैं, इसलिए इन्होंने चार हील शाफ्ट फेस एंड के लिए दिए। ऑल्दो प्लेन भी है फेस एंड में, तो हम दो हील शाफ्ट में भी काम चला सकते हैं। तो इसे हम पहले वाले को
पहले वाले को अगर हम चार अलग अलग देने हैं तो पहले वाले को हमने पहला हील शार्ट दे दिया और दूसरे वाले फेस हैंड को हमने तीसरा हील शार्ट दे दिया, और तीसरे वाले फेस हैंड को हमने दूसरा हील शार्ट दे दिया, और जो चौथा वाला फेस हैंड है उसे हमने चौथा हील शार्ट दे दिया। तो इस तरीके से हील शार्ट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब हमने सारे फेस हैंड को हमने हील शार्ट दे चुके हैं, अब हमारे बच रहे हैं स्टिचिंग हैंड, तो हमने स्टिचिंग हैंड को हील शार्ट दे दिया पांचवा, ये पांचवा हैंड है, और ये पांचवा और छठवा आपस में डिफरेंट है, तो ये से छठवा हील शार्ट दे दिया। फिर सिमिलर वे में जैसे हमने पीछे जो पैक प्लान की बात करें तो पैक प्लान किस तरीके से बनेगा, पहला वाला हील शाफ्ट पहले वाले कॉलम से बिलोंग करता है तो हमने उसे कॉपी कर दिया, तो ये पैक प्लान हो गया। अब हम दूसरे वाले हील शाफ्ट की बात करें तो दूसरा वाला हील शाफ्ट जो हमारा बिलोंग करता है चौथे वाले एंड से बिलोंग करता है जो कि फेस एंड है, उसे हमने कॉपी कर दिया चौथा वाले एंड को, तो ये चौथा है। अब तीसरे वाले हील शाफ्ट की बात करें तो तीसरे वाला हील शाफ्ट जो बिलोंग करता है वो तीसरे वाले एंड से बिलोंग करता है, तो तीसरे वाले कॉलम को हमने कॉपी कर दिया। चौथे वाले हील शाफ्ट की बात करें तो चौथा वाला हील शाफ्ट हमने छठवें वाले एंड से बिलोंग करता है, तो हमने छठवां वाला एंड को कॉपी कर दिया। अब हम अगर पांचवें हील शाफ्ट की बात करें तो पांचवा हील शाफ्ट दूसरे वाले एंड से जो कि स्टिचिंग एंड है उससे बिलोंग करता है, तो उसे हमने उस कॉलम को कंप्लीट कॉपी करके यहाँ डाल दिया। छठवां वाला हील शाफ्ट हमारे पांचवें एंड से बिलोंग करता है जो कि हमारा स्टिचिंग एंड है, उसे कॉपी करके हमने यहाँ डाल दिया। तो इस प्रकार से हमारा ये पैक प्लान बन गया। सिमिलर पैक प्लान हम एच डिजाइन का भी बना सकते हैं, एल का एक्स बन सकता है, पी का वाई बन सकता है, इस प्रकार से हम पैक प्लान हमारे बन सकते हैं फर्स्ट बैक बैग से। अब हम बी डी पी क्यू की बात करते हैं। बी डी पी क्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन है। इसमें सबसे पहले क्या है, जो ये ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी या सिंपल मॉडिफिकेशन ऑफ बेल्ट स्ट्रक्चर है बेसिकली, इसमें क्या है, सबसे पहले हमने ए डिजाइन बना ली, ये हमारी ए डिजाइन है जो जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, मतलब ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों आपस में सेपरेट हैं। अब इस ये हमारा एक तरीके से कह सकते हैं, ये हमारा बेसिकली स्टिचिंग एंड का स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या स्ट्रक्चर है, स्टिचिंग एंड का स्ट्रक्चर है, और इनके बीच में हमने दो बॉर्डेड एंड डाल दिए हैं। बॉर्डेड एंड अगर हमने यहाँ डाला हुआ है दो बॉर्डेड एंड, तो उस डिजाइन पूरा करने के लिए हमें यहाँ पे बॉर्डेड एंड बॉर्डेड पिक सॉरी बॉर्डेड पिक हमें दो यहाँ डालने पड़ेंगे। तो हमने क्या किया है, ये जो डिजाइन है इसे ये किसकी है, ये स्टिचिंग एंड की डिजाइन है, स्टिचिंग एंड की डिजाइन है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अगल बगल हमें फेस एंड डालने पड़ेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, ये कितने कॉलम की डिजाइन है, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, ये आठ आठ हैंड की डिजाइन है, तो इसके अगल बगल अगर हम मान लें कि अगर हमें वो जो फेस एंड डालने हैं तो हमें 16 एंड हमें एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे क्योंकि रेशियो 2:1 का है, हम सारे लोग जानते हैं, तो 16 हमें फेस एंड लेने पड़ेंगे जो इसके अगल बगल होंगे, तो 16 + 8 मतलब 24 एंड होंगे, और जो पिक्स है वो पिक्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 पिक की डिजाइन है। अगर हम 20 पिक की डिजाइन लेते हैं तो इसमें 20 पिक होंगे, और इसके अलावा हमने जो हमने चार एंड हमने हमें बॉर्डेड के लेने हैं, तो हमने दो एंड यहाँ डाले, दो दो पिक यहाँ डाले हैं, दो पिक यहाँ डाले हैं, तो 20 तो 24 × 24 की ये डिजाइन बनी बेसिकली, क्योंकि 20 + 4 पिक 24 और यहाँ 24 बार पैंड है, तो उसी हिसाब से 24 है, अगर आप लोग गिन भी सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 बार पैंड हो गए।
और व्हिप की बात करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 व्हिप टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर को हमें कॉपी करना है। नॉर्मली पहला हमने फेस फेस हमने पहला वाला जो बार पेंट लिया वो हमने लिया फेस एंड, फिर इसके बाद हमने इसका पहला वाला एंड लिया जो हमारा स्टिचिंग एंड है, फिर इसके बाद हमने फिर से फेस एंड लिया, फिर फेस एंड लेंगे, फिर इसके बाद हमने स्टिचिंग एंड दूसरा वाला कॉलम लिया है, फिर इसके बाद फेस एंड लेंगे, फिर इसके बाद हम फेस एंड लेंगे, फिर तीसरा वाला स्टिचिंग एंड लेंगे। इसी हिसाब से ये कंप्लीट डिजाइन बनाई जाएगी। पहले हमें फेस एंड लेना है, उसके बीच में स्टिचिंग एंड लेना है। तो उस हिसाब से जब ये कंप्लीट डिजाइन बन चुकी, ये कंप्लीट डिजाइन बन जाने के बाद हमने जो फेस एंड है, फेस एंड में सारे में हमने क्या किया है, हमने प्लेन बीप दे दी है, और इन दोनों के बीच में जो हमने डाला है वो बार्डिंग बार्डिंग पिक्स डाले हुए हैं। ये कंप्लीशन हो जाने के बाद हमने यहाँ दो बार्डेड पिक्स डाल दिए, यहाँ बार्डेड पिक्स डाल दिए। अब जो हमारा फेस एंड है, रूल क्या है, जो बार्डेड पिक्स हैं वो क्या होते हैं, फेस एंड में हमेशा अप होते हैं और स्टिचिंग एंड में डाउन होते हैं। तो वही हमने किया हुआ है, बार्डेड पिक्स को हमने फेस एंड में अप किया है और स्टिचिंग एंड में डाउन किया हुआ है, यहाँ डाउन है। तो इस हिसाब से हमारी बीड पी क्यू डिजाइन हमारी पूरी बन गई। आई थिंक ये होपफुली क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं, तो पहले वाले पहले पहले हमें हील शाफ्ट किसको देने हैं, पहले हमें हील शाफ्ट देने हैं नॉर्मली, हमें फेस एंड को हील शाफ्ट देने हैं। तो पहले हम फेस एंड को हील शाफ्ट दे देते हैं। पहला वाला पहले को दे दिया, क्योंकि हमने हमारे पास फेस एंड में जो एक्चुअली इसमें जो कॉर्ड बनेंगे वो चार कॉर्ड बनेंगे, तो चार हील शाफ्ट इन्होंने नॉर्मली फेस एंड को दिए, जैसे हमने प्रीवियसली स्लाइड में बताया था, चार हील शाफ्ट इन्होंने फेस एंड को दी हुई है। तो ये पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। फिर इसके बाद चार हील शाफ्ट में ये कंप्लीट फेस एंड कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर इसके बाद हम स्टिचिंग एंड की बात करते हैं। तो स्टिचिंग एंड में जिस हिसाब से इस डिजाइन के लिए ड्राफ्टिंग प्लान होगा उसी हिसाब से इन्होंने ड्राफ्ट दिया हुआ है जो कॉमन है। हम इसमें देख सकते हैं कि ये किस किस से मैच कर रहा है, किस किस से मैच नहीं कर रहा है। जैसे पहला वाला कॉलम किसी और से मैच कर रहा है, पहला वाला कॉलम मैच कर रहा है, पहला वाला कॉलम और किसी से आई थिंक मैच नहीं कर रहा है, दूसरा कॉलम किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तीसरा कॉलम किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, चौथा कॉलम किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, नहीं चौथा कॉलम मैच कर रहा है, चौथा कॉलम मैच कर रहा है अपने दूसरे कॉलम से। तो इसका जो चौथा कॉलम है ये दूसरे कॉलम से मैच कर रहा है, तो इसलिए इसे सेम हील शाफ्ट दिया गया। अब हम पांचवें कॉलम की बात करें, पांचवें कॉलम किसी से मैच कर रहा है, तो वो पहले वाले से मैच कर रहा है, तो सेम हील शाफ्ट दिया गया। छठवां वाला कॉलम किसी से मैच कर रहा है, वो किसी से मैच नहीं कर रहा है, तो उसे अलग हील शाफ्ट दिया गया। सातवां वाला कॉलम किसी से मैच कर रहा है, हाँ ये इस वाले कॉलम से मैच कर रहा है, आठवें वाले से, तो उसे कॉमन दिया गया है। इसी प्रकार से ये वाला कॉलम किसी, सातवां कॉलम किसी से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो उसे अलग हील शाफ्ट दिया गया। तो इस हिसाब से हमारा ड्राफ्टिंग प्लान भी बन जाएगा। तो ड्राफ्टिंग प्लान में क्या होगा, ड्राफ्टिंग प्लान के हिसाब से
हमारे कॉलम भाई, हमने यहाँ पे पैक प्लान बना दिया। तो ये हमारा BOOTP क्यू स्ट्रक्चर है। आई थिंक सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब कोई भी क्वेरी है तो वो ये हमारे मेल पे पूछ सकते हैं। थैंक यू।